वेलकम टू माई न्यू भिडियो। आज गइरहेको छु वाटर फिल्टर प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट वाटर जिसे बोला जाता है, वही देखने जा रहा हूँ मैं और स्पेनी या इधर छोटा भाई है। ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे हम आपको अच्छे से दिखाएंगे पानी को कैसे साफ किया जाता है, आता कहाँ से इनलेट। छड़ी ना दे ना दिलू कड़ी ना जाई जिंदगी दे रोग वंगू लग ना जाई। तो चलते चलते बहुत देर हो चुकी है और हम अभी लगभग थक चुके हैं। तो दो बंदे ये कह रहे हैं कि ऑटो तक नहीं लेना है हमें और पैदल चलेंगे। चलते चलते इन्होंने आज हालत ख़राब कर दी है, तो आप देख सकते हैं हमारी जो हालत है बहुत ही बदतर हो चुकी है। इनकी फिर भी ठीक है, मेरा तो यार मतलब क्या ही बोलूँ। फाइनली वी आर रीच इन पावर प्लांट। अब हम लोगों ने पहुँच गया पावर प्लांट, दिखाएंगे। इसका दूसरा गेट भी है लेकिन हम इस वाले गेट से जाएंगे स्टार्ट करके। इसका दूसरा गेट भी है, हम लोग इस वाले गेट से चलेंगे। हेलो लफोन कर लूज कर सुनवाई ब्राई दी जा। ये देखो भाई का कितना है। ये हम लोग आ गए हैं पावर प्लांट पे। और कोई नहीं देख। तो फाइनली हम जो हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच चुके हैं, तो हम आपको थोड़ा दिखाएंगे। ये जो है यहाँ पे इनलेट है, यहाँ से पानी जो अंदर आता है और यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेसिंग होती है पानी की। यहाँ पे ये जो है स्क्रीनिंग कहा जाता है इस वाले प्रोसेस को। और ये जो स्क्रीन लगी है यहाँ पे, ये है कोर्स स्क्रीनिंग। आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं दिखाऊंगा। ये कोर्स स्क्रीन होती है। कोर्स में क्या होता है, जो मोटा मोटा कचरा होता है वो इसके ज़रिए बाहर निकल जाता है। ये दिखा दो। और इसके नीचे जो है फाइन स्क्रीन लगी है, वहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है तो वो दिखा नहीं पाएंगे अच्छे से। यहीं से देख लो, तो ये जो है इसका ऑन ऑफ करने का सिस्टम है, रहता है स्क्रीनिंग का। तो ये भी बंद है। स्क्रीनिंग के बाद पानी जो है पाइप के जरिए से अंदर आता है। स्क्रीनिंग के बाद पाइप के जरिए जो पानी अंदर आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें भी जो है कचरा थोड़ा रह जाता है ऊपर वाला। तो इसके बाद फिर पानी आगे वाले टैंक में जाता है। यहाँ पे 3-4 टैंक बने हुए हैं। उसके बाद क्या होता है, इस टैंक को भर दिया जाता है और जो ऊपर वाला मोटा कचरा है वो तहर के यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे, और वो यहाँ से होते हुए आगे चला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पर बहुत गंद भी पड़ा हुआ है। इसको देख लीजिए आप, डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो पानी है यहाँ पे आता है। एक तो ये टैंक बना हुआ है, एक ये टैंक बना हुआ है, बड़ा पानी इन में आता है। इसमें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे पानी जो है फुल है अभी, और इसमें डबल प्रोसेसिंग की जाती है पानी को। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले तो पानी के साथ मिक्स करते हैं, बाद में एलम डालते हैं, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे जो ऊपर से पार्टिकल्स कुछ पड़े हुए हैं, वो जो छोटे पार्टिकल हैं एक बॉन्ड बना लेते हैं इसके साथ, और जो बैक्टीरियाज हैं वो भी मर वगैरह जाते हैं। इसमें बहुत से केमिकल्स वगैरह होते हैं। ये देखिए, ये है वो चीज़, इसमें बैक्टीरियाज वगैरह हो जाते हैं, मर जाते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको हम पानी से साइड नहीं कर सकते हैं, वो इसके साथ जो है अटैच हो जाते हैं ताकि हम उनको ईजिली रिमूव कर सकें। मैंने जो अभी आपको बोला हवा, तो एयर कंप्रेसर ये रहे अंदर लगे हुए, तो इस वाले पाइप के ज़रिए यहाँ पे एयर कंप्रेसर हवा को ढाला जाता है। ये जो है इसके ज़रिए खोल के, तो इसमें जो है अंदर एक हलचल सी होने लगती है, मतलब पानी जैसे बॉयल होने लगता है। और यहाँ से आगे फिर पानी जो है इस वाली छन्नी के थ्रू जाता है, ये वाला जो यहाँ पे चीज़ लगा है इसके थ्रू आगे जाता है दूसरे वाले टैंक में। तो दूसरे वाले टैंक में फिर से जो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स वगैरह रह जाते हैं, पानी की प्रोसेसिंग है। यहाँ पे भी एयर को छोड़ा जाता है, हवा को एक को उसके साथ मिक्स कर दिया जाता है, अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है, एयर को ढाल के पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम वही है, यही है एयर कंप्रेसर वही वाला, और वहाँ से एक दूसरी लाइन है जो कि इस तरफ है, यहाँ से हवा वगैरह आती है और फिर से इस पानी को मिक्स करती है। सेम ही एक इसका भाई ही मान लो, जो कि दूसरा यहाँ पे टैंक बना हुआ है पानी का, तो इसमें भी सेम ही प्रोसेसिंग होती है जो मैंने पीछे वाले में बताया।
इनके बाद पानी जो है, एक तो ये वाला टैंक रहा, एक ये वाला टैंक है, इनके पास जाता है वो वाला फिर पानी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या चलता है। तो इस ट्रीटमेंट में, वाटर फिल्टर प्लांट में मेरे भाई हैं बड़े, तो वो काम करते हैं यहाँ पे। ये जो पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे हैं फल फ्रूट वाले, तो ये उन्होंने खुद लगाए, खुद से मेहनत करके किया उन्होंने। इसको जहर लग रहा है, एकदम जहर लग रहा है। वो देखो पेड़ है आगे सेब के, उसको उन्होंने कवर करके रखा है ताकि बंदर वगैरह आके जो है इस वाली चीज़ को, उनके पेड़ पौधों को, फ्रूट फल फ्रूटों को ख़राब ना कर दें। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अभी हम आपको दूसरा टैंक दिखाएंगे। तो जुड़े रहें, चुके हैं पर क्या करेंगे यार, वीडियोस बनाने के लिए इतना तो हम करते हैं भाई, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें इतनी शक्ति देता है। उसके बाद आप देखिए कि पानी जो है वहाँ से आता है यहाँ की तरफ, और इसमें जो है अच्छे से पानी को फिर से एक बार मिक्स किया जाता है। इसमें भी एयर छोड़ी जाती है, अंदर इसके एक फ़ैन टाइप सा लगा रहता है जो कि हमेशा घूमता रहता है, और जो गंदगी वगैरह है पानी की वो इस वाली लाइन के थ्रू अंदर जाती है, अंदर वाले टैंक में, और अंदर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद पानी, इसके बाद पानी जो है थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगता है। ये वाला जो है जैसे देखो, इसमें अब थोड़ा साफ़ लग रहा है उसके कंपैरिजन में, ये वाला जो है ज़्यादा साफ़ लग रहा है। इसके बाद जो है पानी आगे वाली तरफ जाता है, तो हम अभी वहाँ पे भी जाएंगे। ये देखिए, कहा सच कहा कि इसी ने, मेहनत जो है एक दिन रंग लाती है। और ये फिर मैं दिखा दूँ आपको, दूसरी तरफ भी उन्होंने पेड़ पौधे बहुत से लगा दिए हुए हैं। पानी की ये वाली प्रोसेसिंग होने के बाद पानी जो है सीधा वहाँ पे जाता है उन वाले टैंक्स में, और वो रही उसकी आउटलेट। अब हम अभी तो वहाँ पे जाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। तो यहाँ से दिखा रहे हैं कि वो जो पानी है सारा का सारा इन वाले टैंक्स में जाता है। तो अभी हम चलते हैं उस तरफ। तो आप देखिए, ये जो टैंक है यहाँ पे, जब बारिश वगैरह होती है इस प्लांट में, रूम की तरफ देखो छोटे डाउन लोगों को रिक्शा मिल गया, अब चल रहे हैं रूम की तरफ।